येस हैलो चिल्ड्रेन हाउ आर यू सो चिल्ड्रेन टूडे वाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1.2 आज हम एक्सरसाइज टू करेंगे तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर वन आप सब जने ध्यान से सुनिएगा दिस क्वेश्चन आर नॉट सो इजी एज वी आर थिंकिंग सो ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर सी क्वेश्चन नंबर वन वट इज अवर क्वेश्चन नंबर बुक स्टेट वेद द फोलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो एवरी इेशनल नंबर फर्स्ट वन एवरी इेशनलोट आरेशनल हमको तीन तरह के नंबर मालू numbers, हम मालूम हो गए रेशनल नंबर हम क्लास सिक्स सेवन एट से पढ़ते आ रहे हैं इेशनल नंबर अभी हमने पढ़े अब रियल नंबर दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इेशनल नंबर सो सी सोल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या होना चाहिए सो वी मस्ट नो वाट इज रियल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल द रियल नंबर तो रियल नंबर व्हाट इज रियल नंबर रियल नंबर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड एंड इेशनल नंबर ये दो का कॉम्बिनेशन है इनमें दोनों तरह के नंबर आते हैं रैशनल भी आ रहा है इरेशनल भी आ रहा है ये हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर इेशनल नंबर नाउ क्वेश्चन एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर यस ऑफ कोर्स सो इट इज ट्रू इट इज ट्रू क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं रियल नंबर में दो तरह के नंबर आ रहे हैं रेशनल भी आ रहा है इरेशनल भी आ रहा है ये दोनों नंबर आपके रियल हैं रेशनल नंबर और इरेनल नंबर मिलके क्या बना रहा है हमारा रियल नंबर बन रहा है मीन दोनों तरह के नंबर रियल नंबर है तो इरे नंबर भी रियल नंबर है और रेशनल नंबर भी रियल नंबर है तो ट्रू हो गया तो सिंस एज इेशनल नंबर एस एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर सो सारे रेशनल नंबर हमारे क्या है रियल नंबर अगर हमको क्वेश्चन आता एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर तब भी आंसर क्या होता ट्रू होता मगर अगर क्वेश्चन ऐसा आता एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर तो फॉल्स हो जाता है क्यों क्योंकि रियल नंबर में दो नंबर है रेशनल इेशनल नंबर भी है अब देखिए फोर फोर एक रियल नंबर भी है मगर फोर इरेशनल नहीं है फोर कैसा नंबर है रियल नंबर है मगर फोर इरेशनल नहीं है अच्छा अब देखिए तो एवरी रियल नंबर इसे इरेशनल नंबर तो ये भी फॉल्स हो जाता और एवरी रियल नंबर इसे रैशनल नंबर तब भी फॉल्स हो जाता क्योंकि अगर रियल नंबर को हम रैशनल नंबर बोलें सारे रियल नंबर्स को रेशनल नंबर बोलेंगे तो इरेशनल नंबर्स कहां गए इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है तो इरेशनल नंबर रियल नंबर है रेशनल नंबर रियल नंबर है मगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड फर्स्ट ट्रू फर्स्ट नाउ सी द सेकेंड वन। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज ए ने नंबर तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले और उसी से हम बताते हैं कि ये क्या चीज है ये हमने एक नंबर लाइन बना और इस पर हमने मार्क कर दिए कुछ पॉइंट जीरो मार्क कर देते हैं और नेगेटिव से हम मार्क कर देते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सोन सो ये हमने एक नंबर लाइन बना ली अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेर एम ई से वेर एम ई से नेचुरल नंबर और वहां एम एक नेचुरल नंबर है तो देखिए आप यहाँ पे हम देखते हैं रूट एम रूट एम में हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं रूट टू का तो रूट टू कैसा है वन पॉइंट फोर वन फोर तो ये यहां आ जाएगा कहीं ना कहीं इस तरह से यहां पे आ गया पॉइंट अगर हम रूट थ्री लेते हैं अब रूट थ्री लेते हैं देखिए रूट थ्री लेते क्या आएगा वन पॉइंट सेवन थ्री टू इसकी वैल्यू है ये आप निकाल सकते हैं तो वन पॉइंट सेवन थ्री समथिंग यहां रूट थ्री आ गया तो ये टू नेचुरल नंबर है यहाँ बोला है इस एवरी पॉइंट नंबर फॉर्म रूट एम तो टू हो गया थ्री हो गया अब अगर हम फोर लेते फोर लिया तो कैसा नंबर आएगा टू तो टू कहाँ आ रहा है यहाँ पे आ गया ये देखिए अभी टू भी आ गया अपने अच्छा रूट वन ले, ले सिर्फ रूट वन कैसे हो गया वन हो गया तो वन कहा आ गया यहाँ ये वन आ गया तो बहुत सारे नंबर आ सा रहे हैं अब आप यहां देखिए आप एम कैसा है नेचुरल नंबर है अब एम कुछ और नहीं हो सकता मतलब नेचुरल नंबर ही है अंदर जो आ रहे हैं वो और नेचुरल नंबर कहा स्टार्ट होते हैं वन से देखो मैंने वन लिया टू लिया थ्री लिया फोर लिया अब फाइव लेके देखते हैं देखिए है। रूट फाइव रूट फाइव पहले कत पॉइंट टू थ्री सिक्स समथिंग अबाउट तो टू पॉइंट टू ये आपका यहां पे आ जाएगा ये आ गया आपका रूट फाइव भी आ गया तो हमने ऐसे बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट कर दिए अब आप बताइए कि नंबर लाइन पे नंबर लाइन कोई ऐसा थोड़ी है कि जीरो से ही स्टार्ट हो रही है जीरो से स्टार्ट होकर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की थी जा रही है तो नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं तो वो कहां जाएंगे तो एवरी पॉइंट तो आएगा ही नहीं यहां पे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए आ रहे हैं ठीक है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो नेचुरल नंबर से नीच शो कर सकते हैं वो नंबर लाइन पे आएंगे ही नहीं अब जैसे मैंने लिखा अंडर रूट वन अब वन तो कैसा नंबर है ये 1.7 पॉइंट सेवन तो डेसीमल नंबर है अब ये तो नेचुरल नंबर हो नहीं सकता और ये भी इस नंबर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो हो गई सही तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस नंबर लाइन पे नहीं आ रहे हैं अगर ये कंडीशन गिवन है तो हमारा आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स तो इससे कहीं आ ही नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो।, तो ये तो नहीं होना चाहिए तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट फॉल्स और इसका रीजन हम लिख सकते हैं सिंस ऑल नंबर्स सिंस ऑल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कैन नॉट बी शोन और कैन नॉट बी शोन ऑन नंबर लाइन इफ एम इज ए नेचुरल नंबर

कि सारे इेशनल नंबर रियल हो सकते हैं सारे रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं मगर कन्वर्स ट्रू नहीं है कि रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं रियल so, नंबर होते हैं इरेशनल नंबर मगर सारे नहीं होते क्योंकि रियल नंबर में आपके रेशनल भी आ रहे हैं तो क्या सारे रियल नंबर सारे यहां एवरी की बात हुई एवरी तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर तो क्या आंसर हो गया फॉल्स सेंस इसका रीजन क्या है सेंस रियल नंबर इंक्लूड्स रियल नंबर हमारे पास क्या क्या है रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर क्योंकि रियल नंबर में आपके दो तरह के नंबर आ रहे हैं रेशनल भी आ रहा है इरेशनल भी आ रहा है अब यहां बोला कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है और अगर ऐसा आता क्वेश्चन एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर तब भी आंसर क्या होता फॉल्स ही होता तो कन्वर्स का ट्रू नहीं है इरेशनल रियल है रेशनल रियल है रियल इरेशनल नहीं है रियल रेशनल नहीं है तो सारे की बात कर रहे हैं एवरी की बात कर रहे हैं इस कारण से ये फॉल्स हो गया सी क्वेश्चन नंबर टू आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्सेशन नंबर होते हैं क्या इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट नंबर दैट इज रेशन नंबर अब देखिए अब हमें पहले आप तो कुछ क्वेश्चन बताते हैं रूट टू अब रूट टू क्या पॉजिटिव लेना है सारे हमको पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली बात पॉजिटिव पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होते हैं वन से तो रूट वन रूट वन कैसा हुआ वन रूट टू कैसा हुआ 1.414 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आप सबको मालूम है रूट से कितना टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देखिए रूट फोर कितना रूट फाइव कितना होता है टू पॉइंट टू थ्री सिक्स एंड सो एंड सो अच्छा अब रूट नाइन देखते हैं रूट नाइन कितना होता है थ्री होता है अच्छा रूट सिक्सटीन देख लेते हैं रूट सिक्सटीन कितना होता है फोर होता है अब आप सब देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आर द पॉजिटिव इंटीजर ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है वन टू थ्री फोर फाइव नाइन सिक्स ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है क्या ये सारे इरेशनल आएंगे आप देखिए ये ये कैसा नंबर है वन कैसा है रैशनल नंबर ये कैसा है इरेशनल नंबर ये कैसा है इरेशनल नंबर ये कैसा नंबर आया टू कैसा नंबर है रैशनल नंबर ये कैसा नंबर आया इरेशनल नंबर ये कैसा नंबर आया रैशनल नंबर ये कैसा आया रैशनल नंबर तो यहां बोला कि ऑल ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये देखो तो इतने सारे मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं आपके ये क्या सारे इरेशनल है इसमें बहुत सारे रेशनल भी आ रहे हैं वन टू थ्री तो मैंने इतने ही लिखे और भी लिख सकते हैं तो बहुत सारे नंबर आपके बहुत सारे नंबर कैसे भी आ रहे हैं रेशनल भी आ रहे हैं तो क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए आंसर तो हो गया पहला वाला तो नो पहला आंसर तो हो गया आपका नो और फिर क्या बोला क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे स्क्वायर रूट बताओ जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर ऐसे हो गए रूट फोर रूट नाइन रूट सिक्सटीन रूट ट्वेंटी फाइव फिर रूट थर्टी सिक्स इन सब के नंबर कैसे हैं रैशनल है देखो रूट फोर का कितना होता है टू रूट नाइन का थ्री रूट सिक्सटीन का फोर रूट ट्वेंटी फाइव का फाइव रूट थर्टी सिक्स का सिक्स तो ऐसे बहुत सारे नंबर से जिनका स्क्वायर रूट कैसा आ रहा है रैशनल नंबर आ रहे हैं तो दिस इज द सॉल्यूशन अंडरस्टूड चिल्ड्रन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री टू शो रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन तो हाउ टू रिप्रेजेंट रूट फाइव तो सो फार व्हाट यू हैूट टू रूट थ्री हमने रूट टू रूट थ्री को नंबर लाइन बता दिया अब एक और करते हैं रूट फाइव को नंबर लाइन पे तो so अगेन आप सबसे पहले क्या करिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं ये देखिए ये हमने बनाई एक नंबर लाइन और इस पे अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं टू टू सेंटीमीटर का हमने वापस से ले लेते हैं टू सेंटीमीटर का ये यूनिट ले, ले हैं। टू देन फोर देन सिक्स एंड देन एट एंड सो ऑन। हमने अभी ले लिया है ये जीरो ये वन टू थ्री फोर ये हमारा हो गया नंबर लाइन नाउ अब सबसे पहले इसको करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि रूट फाइव का मतलब क्या होता है इजी वे मैं तो डायरेक्टली वी कैन डू डूब देखिए रूट फाइव रूट फाइव मीन्स फोर प्लस वन रूट फाइव का मतलब हुआ फोर प्लस फोर को फर्दर क्या ले सकते हैं मन टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर देखिए मीन्स अब स्क्वायर के रूप में आ गया मींस मुझे एक तो टू की यूनिट चाहिए और एक वन की यूनिट चाहिए तो देखिए अब ये जीरो है यहाँ पे और ये वन है और ये टू है तो एक तो ले लिया हमने जीरो से लेकर टू तक ये तो ये हो गया आपका टू यूनिट्स ये टू यूनिट्स हो गया यहां से यहां तक अब यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वन यूनिट का तो एक वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वन यूनिट हमारा कितना है टू सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पे इसको जूम कर देते हैं देखिए हमने अब यहाँ पे टू यूनिट का वन टू सेंटीमीटर का वन यूनिट बना दिया अब हम इसको यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं अब देखो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये 2 हो गया ये 1 यूनिट हो गया अब आपको पाइथागोरस थ्योरम टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर देखो ये 2 है 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर तो कितना होगा कितना होना चाहिए 5 √5 तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए अपने पास √5 आ गई ये 0 ये O इसको नाम देते हैं A इसको देते हैं B ये हमने B दे दिया दे दे ये देखो ये तो क्या आया हमारे पास रूट फाइव आ गया ये रूट फाइव आ गया अब नंबर लाइन पे हम रूट फाइव रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमने क्या किया कंपास लिया और यहां से यहां से हमने एक आर्क बनाना ये देखिए ये हमने बना दिया आर्क अब ये कहां पे जाके मिल रहा है देखिए आप ये यहां पर ये जो पॉइंट है ये ए तो पॉइंट हमारा ये है इसका नाम है ये वाला पॉइंट है अब इसका नाम कुछ और दे देते हैं ए बी सी दे देते दे हैं दे 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 इसको दिस सी पॉइंट ये सी पॉइंट होंगे आपका रूट फाइव अच्छा रूट फाइव की वैल्यू आपको बता दू रूट फाइव की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है आपको सबको मालूम होना चाहिए टू पॉइंट टू थ्री सिक्स मीन्स टू पॉइंट टू सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए तो देखिए आप टू पॉइंट वन और टू पॉइंट टू ये आप ही रही है तो टू ये फिर एक बीच का पॉइंट हो गया टू पॉइंट वन और ये टू पॉइंट टू नियर अबाउट टू पॉइंट टू हो गया तो देखिए हमने रूट फाइव को कैसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया और क्या मेथड लगाया डायरेक्ट आप चाहे तो रूट टू रूट थ्री फिर रूट फाइव भी बना सकते हैं एक और मेथड है मगर ये डायरेक्ट मेथड है इससे आंसर तुरंत आ जाएगा क्लियर चिल्ड्रन आप प्रैक्टिस करिए इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगी ये हाल में